नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव होता है या कौन सा नियम लगता है? तो इसका आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो इसका आंसर है ल्यूमेंस का मात्रक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है ध्वनि तरंगें नहीं कर सकती। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर है वास्तविक का उल्टा बनता है। वास्तविक का उल्टा, वास्तविक तथा वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होती है? जो आँख में प्रकाश करता है उसके नियंत्रण होती है आयरिस के द्वारा। आयरिस छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, जैसी प्रकाश की जरूरत होती है वैसी आँख में जाने देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किससे परित्रय प्रभावित होंगे? इसका आंसर है तरंग दैर्ध्य तथा वेग में, तरंग दैर्ध्य तथा वेग में परिवर्तन होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, पानी में डूबी एक घड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर है प्रकाश अपवर्तन के कारण होती है, प्रकाश अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी कि जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़ा जाता है उसकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? कितनी संख्या होगी? दोस्तों, इसका आंसर है अनंत संख्या होगी, यानी कि आप गिन नहीं सकते, इतनी संख्याएं होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यर्थ ऊर्जा का लाभ कितने भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है? कितने भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है? इसका आंसर है 60 से 70 भाग में परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ऊपर सफेद तथा नीचे काला। सॉरी दोस्तों, यह गलती हो गया, ऊपर होता है ब्लैक और नीचे होता है सफेद, नीचे सफेद और ऊपर काला होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो इसका आंसर है ध्रुवण प्रक्रिया घटित नहीं होती, ध्रुवण प्रक्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है?
इसका आंसर है 1/6, लगभग 1/6 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया है? किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया है? सामान्य सम्मान में रखा गया है। तो इनका वैज्ञानिक का नाम है एस चंद्रशेखर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की आपूर्ति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? कितनी आवृत्ति में होती है? इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कूलेज नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए कूलेज नालिका का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब जर्मेनियम जाली में असार्कनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो इसका आंसर है बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है, बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दूरदर्शी प्रकाशीय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है नतोदर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नरोत्तर को ही दोस्तों अवतल लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल या फिर नवोदर लेंस, दोनों में से कुछ, दोनों एक ही नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है भौतिक राशि प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहन रखना चाहिए, क्या पहने रखना चाहिए? तो इसका आंसर है चश्मा पहन रखना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश के प्रकारों में से नीली नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? इसका आंसर है तीव्र अपशोषण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? तो इसका आंसर है श्वेत प्रकाश को। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसकी आगे की सीरीज जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।